जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत है, अतः मां भागगण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ मनीमन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूं। साक्षात सदा शिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। प्रभो सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी है। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी है। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभो लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है, उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश महा तेजस्विनी, सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए चाहिए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर, भगवान विष्णु की, मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिसमें हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला पर्व मंगल होगा।